Gulshan Bhai aka Sup Listings. Welcome to yet another episode of Tech Stuff. Before you start watching the video, if you're new to the channel, don't forget to subscribe to Stuff Listings. आज की न्यूज स्टार्ट करते हैं सैमसंग के साथ एंड सैमसंग जल्दी ही लॉन्च करने वाला अपना सैमसंग गैलेक्सी S20 FE स्मार्टफोन. सैमसंग गैलेक्सी S20 फैन एडिशन में हमें दो अलग अलग वेरिएंट्स मिलेंगे, एक 4G वेरिएंट और एक 5G वेरिएंट. बहुत सारे लीक्स वगैरह का ये पार्ट ये स्मार्टफोन रह चुका है, बट आज सैमसंग गैलेक्सी S20 फैन एडिशन मॉनिकर फिर से डबल चेक और कंफर्म हो चुका है बिकॉज NBTC सर्टिफिकेशन वेबसाइट और साथ में EMVCO सर्टिफिकेशन वेबसाइट, दो अलग अलग सर्टिफिकेशन है, दोनों ही जगह पे FE जो S20 FE है ये स्पॉट कर लिए गए. और साथ में Verizon की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी Samsung Galaxy S20 FE जो है वो लिस्ट हो चुका है और इसका क्लाउड नेवी कलर वेरिएंट फाइनली ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है. मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, दिस इज व्हाट द क्लाउड नेवी कलर वेरिएंट ऑफ द Samsung Galaxy S20 फैन एडिशन इज गोइंग टू लुक लाइक. आगे बढ़ते हैं HTC की तरफ एंड HTC का HTC Wildfire E Lite एक स्मार्टफोन कुछ टाइम पहले Google Play Console लिस्टिंग पे स्पॉट किया गया था. मैंने ही आपको स्पॉट करके बताया था, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप पुरानी टेक्स्ट जाके देख सकते हैं. अब इवान ब्लास ने HTC Wildfire E Lite स्मार्टफोन के रेंडर्स को लीक कर दिया है. मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, दिस इज व्हाट दिस HTC Wildfire E Lite स्मार्टफोन इज गोइंग टू लुक लाइक. पीछे की तरफ आपको एक OnePlus 5 टाइप की वाइप्स आएंगी. पीछे रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, दो कैमरास है, आगे की तरफ बड़े से बेजल्स वगैरह है. बट यस, अब देखते हैं ये स्मार्टफोन लॉन्च कब होता है, बट इसकी स्पेसिफिकेशंस तो गूगल प्ले कंसोल लिस्टिंग से ऑलरेडी निकल के आ चुकी थी. 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का आपको मिलेगा रियर कैमरा सेटअप. और अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो MediaTek का MT6761D प्रोसेसर होगा. यहाँ पे 2GB रैम होगी, HD+ डिस्प्ले यहाँ पे आपको मिलने वाली है. सो एक बहुत ही एंट्री लेवल काइंड ऑफ स्मार्टफोन है, एंड्रॉइड 10 पे रन करेगा. देखते हैं जब ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा, इसके बारे में आई विल कीप यू पोस्टेड. आगे बढ़ते हैं इन्फिनिक्स की तरफ. इन्फिनिक्स एक नया स्मार्टफोन जल्दी लॉन्च करने वाला है. इन्फिनिक्स इज ऑन अ स्प्री, बहुत सारे स्मार्टफोन्स लॉन्च कर रहा है इन्फिनिक्स हाल फिलहाल में. अब इन्फिनिक्स अपनी नोट सीरीज का एक नया स्मार्टफोन जल्दी ही लॉन्च करने वाला है, इसका नाम होगा इन्फिनिक्स नोट 8. इन्फिनिक्स नोट 8 स्मार्टफोन का मॉनिकर आज सुबह सुबह कंफर्म हुआ बिकॉज ऑफ NBTC सर्टिफिकेशन वेबसाइट. थाईलैंड में ये स्मार्टफोन सर्टिफाई हो चुके हैं और इंडिया में भी इसके लॉन्च होने के चांसेस हैं. जब मॉडल नंबर को हमने मैप किया तो Geekbench डेटाबेस वेबसाइट पे भी इन्फिनिक्स नोट 8 ऑलरेडी स्पॉट किया जा चुका था. MediaTek Helio G80 प्रोसेसर आपको स्मार्टफोन में मिलेगा. एंड्रॉइड 10 पे इन्फिनिक्स नोट 8 स्मार्टफोन रन करने वाला है. Geekbench कोर्स और बाकी की सारी चीजें मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं. आगे बढ़ते हैं टेक्नो की तरफ. टेक्नो एक नया स्मार्टफोन इंडिया में जल्दी लॉन्च करने वाले, इसका नाम बहुत बड़ा है, टेक्नो स्पार्क पावर 2 एयर. मतलब अलग अलग कंपनीज के अलग अलग जो मॉनिकर्स होते हैं ना, आईपैड एयर पावर सब कुछ उठा के टेक्नो ने एक नया स्मार्टफोन बना दिया. इसका नाम है टेक्नो स्पार्क पावर 2 एयर. ये 14 सितंबर को इंडिया में लॉन्च हो रहा है. इसमें आपको 7 इंच की डिस्प्ले मिलेगी और पीछे की तरफ 4 कैमरास वगैरह होंगे. अच्छा खासा स्मार्टफोन होगा ये एंट्री लेवल के हिसाब से. वाटर ड्रॉप नॉच होगी. अब देखते हैं ये स्मार्टफोन का प्राइस क्या रखती है कंपनी. ऑफकोर्स वी कैन एक्सपेक्ट एग्रेसिव प्राइसिंग स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, उसी हिसाब से मतलब एंट्री लेवल स्पेसिफिकेशन ही हम टेक्नो स्पार्क पावर 2 एयर स्मार्टफोन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं Vivo की तरफ एंड Vivo V20 सीरीज ऑफ स्मार्टफोन जल्दी ही लॉन्च होने वाली है. Vivo V20, Vivo V20 SE और Vivo V20 Pro 3 स्मार्टफोन्स लॉन्च होंगे ग्लोबली. इंडिया में भी इनके लॉन्च होने के पूरे पूरे चांसेस हैं. अभी के लिए Vivo V20 स्मार्टफोन की लाइव शॉट्स लीक हो चुकी हैं. मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, दिस इज व्हाट द Vivo V20 इज गोइंग टू लुक लाइक. पुराने जो रेंडर्स वगैरह लीक हुए थे उन्हीं के हिसाब से ये जो शॉट्स हैं ये लिजिट लग रही हैं. ऐसा ही आपको कुछ Vivo V20 में देखने को मिलेगा. Vivo X50 सीरीज से बहुत ज्यादा पे आपको रिजेम्बलेंस देखने को मिलने वाली है. सो इफ इन केस आपको Vivo X50 सीरीज और स्मार्टफोन्स का डिजाइन बहुत अच्छा लगा था, मेरे को तो पर्सनली लगा ही था, डिजाइन कैमरास वगैरह के हिसाब से अगर आप एक स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, ऑफ कोर्स एग्रेसिव प्राइसिंग यहां पे नहीं होगी, बट यस ये स्मार्टफोन जल्दी ही लॉन्च होने वाला है. यू कैन वेरी वेल गो फॉर दिस वन इफ डिजाइन एंड कैमरा आर योर प्राइम प्रेफरेंसेस. आगे बढ़ते हैं मोटोरोला की तरफ एंड मोटोरोला ने फाइनली अपना बजट फ्रेंडली मोटो E7 प्लस स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया. अभी के लिए ब्राजील में लॉन्च हुए स्मार्टफोन, हो सकता है इंडिया में भी लॉन्च हो जाए. $255 का इसका प्राइस टैग है. एक ही वेरिएंट में लॉन्च किया गया मोटो E7 प्लस को. इस स्मार्टफोन में आपको मिलती है 6.5 इंच की ऑफकोर्स HD+ IPS LCD पैनल, वाटर ड्रॉप नॉच है, 8 मेगापिक्सल का है फ्रंट कैमरा. पीछे की तरफ 2 कैमरास है, 48 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का. उसके नीचे कैमरा मॉड्यूल के बिल्कुल नीचे जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एक रियर माउंटेड
फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर है जो कि मोटोरोला के लोगों के बीच में एम्बेडेड है। साथ में आपको मिलता है एक ऑक्टा कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 460 प्रोसेसर, 4GB रैम, 4GB रैम और 64GB की इंटरनल स्टोरेज जो एक्सपेंड हो सकती है। आपको यहाँ पे एक्सटर्नल SD कार्ड की सपोर्ट मिलती है। एंड्रॉइड 10 पे स्मार्टफोन रन करने वाला और 5000 mAh बैटरी होगी, 10 वॉट्स की चार्जिंग, बट माइक्रो USB आपको यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलेगा। आप देखते हैं मोटो E7 प्लस स्मार्टफोन ग्लोबली कब लॉन्च होता है, बट ये सिंस ब्राजील में लॉन्च हो गया है, हम जल्दी ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये स्मार्टफोन बाकी के मार्केट्स में भी देखने को हमें मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं सैमसंग की तरफ। सैमसंग गैलेक्सी टैब A7 2020 ग्लोबली लॉन्च हो चुका है ये टैबलेट ऑलरेडी, और लग रहा है अब इंडिया में भी जल्दी ही लॉन्च हो जाएगा, बिकॉज इसका इंडियन सपोर्ट पेज और इसका जो इंडियन रीजन बेस्ड फर्मवेयर था इस टैबलेट का, वो ऑलरेडी लाइव कर दी गई है। मैं आपको स्क्रीन पे इमेजेस दिखा रहा हूं। अगर आप वेट कर रहे थे सैमसंग के इस अपकमिंग टैबलेट का, इस मिड रेंज टैबलेट का, आपको इंडिया में अब ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं यूट्यूब की तरफ, मतलब अभी भी हम YouTube पे ही हैं, बट YouTube का जो म्यूजिक ऐप है उसकी बात करते हैं। YouTube म्यूजिक हैज फाइनली हिट द 500 मिलियन डाउनलोड्स मार्क ऑन यू नो द इंटरनेट। दैट मींस 500 मिलियन से ज्यादा लोगों ने YouTube म्यूजिक को डाउनलोड कर रखा है। दैट इज वंस अगेन अ डिफरेंट क्लब। बहुत ऐसी कम ही एप्स और गेम्स हैं जिनको 500 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स का टैग मिला हो, और YouTube म्यूजिक अगर आप यूज कर रहे हैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज हो सकती है। आगे बढ़ते हैं Huawei की तरफ। Huawei ने कुछ टाइम पहले चाइना में लॉन्च की थी अपनी Huawei चिल्ड्रंस वॉच, बच्चों के लिए घड़ी, और अब ये जो वॉच है ग्लोबली भी लॉन्च हो सकती है, बिकॉज ब्लूटूथ SIG सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे Huawei की चिल्ड्रंस वॉच अब सर्टिफाइड हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं Huawei की तरफ फिर से। एंड अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कुछ टाइम पहले Huawei का पेटल सर्च, जो Huawei ने एम्बेड किया था अपने स्मार्टफोन्स में गूगल सर्च को या फिर जितने भी डिफॉल्ट सर्च वगैरह होते हैं उनको हटाने के लिए। सो जैसे सैमसंग का होता है ना, आप सर्च करते हो ऐप तो फोन के अंदर की चीजें और इंटरनेट वगैरह से सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं, वो यूजली गूगल पे ऑप्ट करता है, गूगल के सर्च इंजन को ही यूज किया जाता है। बट जो पेटल सर्च इंजन है अब धीरे धीरे एक फुल फ्लेज्ड सर्च इंजन बनता जा रहा है, और गूगल की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं पड़ रही Huawei के पेटल सर्च इंजन को। मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा हूं कुछ इमेजेस वगैरह। अभी के लिए फिर भी थोड़ा बहुत कंपनी रिलाई कर रही है बाकी की यू नो सर्विसेज पे, बट ऐसा लग रहा है कि अगले साल तक जब तक ये जो हार्मनी OS है ये मैच्योर होगा, स्मार्टफोन्स में कमर्शियली रोल आउट होना स्टार्ट होगा, Huawei का जो पेटल सर्च है वो एक इन हाउस डिफॉल्ट सर्च इंजन भी बन सकता है। आगे बढ़ते हैं पोको की तरफ। एंड पोको X3 स्मार्टफोन इंडिया में जल्दी ही लॉन्च होने वाला है, बट पोको X3 स्मार्टफोन की ग्लोबल सेल्स की अगर हम बात करें, 3 दिन में पोको X3 1,00,000 यूनिट से ज्यादा सेल कर चुका है। दैट मींस ऑफ कोर्स इंटरेस्ट है लोगों में। ग्लोबल मार्केट में सेल्स जो होती है वो फिगर्स इंडियन मार्केट से हम कंपेयर नहीं कर सकते, इंडिया में ज्यादा सेल्स होती है। अगर रियलमी 7 की बात करो, कल पहली सेल में ही 1,80,000 यूनिट सेल हो गई थी, मतलब 1,80,000, बट पोको X3 ग्लोबली 3 दिन में 1,00,000 जो होते हैं ना, 1,00,000 उसका जो फिगर है उसको क्रॉस कर चुका है, उसकी शिपमेंट्स इतनी क्रॉस हो चुकी हैं। वी कैन ओनली इमेजिन कि पोको X3 स्मार्टफोन जब इंडिया में आएगा तो कितनी ज्यादा सेल्स होंगी। अगेन रियलमी 7 सीरीज और पोको X3 मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि ये एक्चुअल सक्सेसर है। पोको X2 का एक्चुअल सक्सेसर पोको X3 नहीं हो सकता, स्पेसिफिकेशंस इतनी ज्यादा कोई बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट या यू नो अपग्रेड नहीं है। सिमिलरली रियलमी 7 का भी यही हाल है, रियलमी 7 सीरीज का यही हाल है, बट स्टिल अगर आप देखो सेल्स की बात करो, सेल्स के हिसाब से दोनों ही ब्रांड के जो स्मार्टफोन्स हैं अच्छे खासे सेल हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं आज की लास्ट न्यूज़ की तरफ और खत्म करते हैं आज की न्यूज़ इस हफ्ते की लास्ट टेक्स्ट ऑफ OnePlus के साथ। OnePlus 8T स्मार्टफोन के बारे में आपको बताता आ रहा हूं बहुत टाइम से, बट बहुत सारे लीक्स रूमर्स वगैरह आ रहे थे कि OnePlus 8T प्रो स्मार्टफोन नहीं लॉन्च होगा। अभी इवान ब्लास्ट ने एक इंटरेस्टिंग ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि OnePlus has put up guides, एक होते ना जो ऑनलाइन आपको गाइड्स वगैरह मिलती हैं ट्रबल शूट करने के लिए अपने स्मार्टफोन को, या अपने स्मार्टफोन को बेहतर जानने के लिए, अगर आपको नहीं पता कि स्मार्टफोन में ये फीचर कहां से एक्सेस होता है, अपडेट कहां से करनी है, ये सारी चीजें, तो कंपनीज की ना ऑफिशियल वेबसाइट पे ऐसे सपोर्ट पेजेस होते हैं। OnePlus ने कुछ 4-5 नए सपोर्ट पेजेस अब लाइव कर दिए हैं OnePlus 8T के लिए, OnePlus 8T प्रो के लिए, OnePlus Nord N100 ये एक OnePlus Nord का अपकमिंग स्मार्टफोन हो सकता है, उसके लिए OnePlus Nord N105G, मतलब 5G लग रहा हो सकता है 5G हो, अगेन आई एम नॉट सो श्योर अबाउट इट, और साथ में एक नया कोड नेम है SS9805। अब ये टोटल मिला के 5 अलग अलग OnePlus के स्मार्टफोन्स हैं जो जिनकी गाइड्स जो होती है ना, ट्रिक्स टिप्स वगैरह होती हैं, वो सपोर्ट वगैरह ऑलरेडी लाइव किया जा चुका है। अभी तक ये सपोर्ट पेजेस लाइव हैं।
इससे देखने से तो यही लग रहा है कि OnePlus 8T Pro और ये जो OnePlus Nord के अपकमिंग स्मार्टफोन्स हैं ये लॉन्च हो सकते हैं, बट ऐसा भी हो सकता है कि गलती कर दी गई हो सकता है कि कंपनी ने जानबूझ के इसको रख दिया हो या गलती से 8T की जगह 8T Pro लिख दिया गया हो। पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस, बट अभी के लिए OnePlus 8T, OnePlus 8T Pro और ये जो दो तीन अलग अलग Nord वाले स्मार्टफोन्स हैं इनकी सपोर्ट पेजेस लाइव हैं, सपोर्ट पेजेस लाइव हैं, दैट क्लियरली मींस कि ये स्मार्टफोन्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। करते हैं या नहीं करते ये तो टाइम बताएगा, बट करने के चांस बहुत यहां पे ज्यादा है। आपको क्या लगता है वैसे OnePlus 8T Pro स्मार्टफोन के बारे में, क्या ये स्मार्टफोन एक्चुअली में लॉन्च होने के चांसेस हैं कि नहीं, कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। और आज की वीडियो का पोल आप लोगों के लिए, बिकॉज वीकेंड है, हम सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं, टीवी वगैरह भी देखेंगे, सो आपके बचपन में आपका फेवरेट कार्टून्स वाला चैनल कौन सा था? ऑफकोर्स कार्टून नेटवर्क रहा है, यहाँ पे पोगो भी था, पोगो वॉज डिफरेंट, बहुत सारे ऐसे अलग अलग कार्टून चैनल्स थे, आपका फेवरेट कौन सा था? कम्युनिटी सेक्शन में जाके पोल करके आप हमें बता सकते हैं। और बाय द वे आज का क्विज भी आप लोगों के लिए है कि टॉम एंड जेरी, टॉम एंड जेरी तो सबने देखा होगा यार, कितने लोगों ने टॉम एंड जेरी देखा है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। टॉम एंड जेरी का पहला एपिसोड कब एयर हुआ था कमेंट सेक्शन में अगर आप बता पाए तो आप घने होशियार। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कल का पोल देख लेते हैं। कल हमने पोल में क्वेश्चन पूछा था, विल आईक्यू स्मार्टफोन्स सक्सीड इन इंडिया? 3600 लोगों ने वोट किया था, 68% लोग कह रहे हैं यस, 32% लोग कह रहे हैं नो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आईक्यू अपने स्मार्टफोन्स को इंडिया में लॉन्च क्यों नहीं कर रहा। बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला यार आईक्यू 3 स्मार्टफोन को, अब तो मेरे पास नहीं है, कंपनी ने वापस ले लिया है, बट यस मुझे लगता है कि ये स्मार्टफोन बहुत अच्छा था और प्रॉमिसिंग फ्यूचर है आईक्यू का। आई सिंसियरली होप कि आईक्यू बाकी के अपने स्मार्टफोन्स भी इंडिया में जल्दी ही लॉन्च कर ले। और वीडियो खत्म करते हैं कल के कमेंट्स के साथ। अनिरुद्ध बॉक्स जी कह रहे हैं, हैवंट हर्ड माई नेम फ्रॉम मुकुल दादा फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट फील्स ग्रेट टू हियर योर नेम फ्रॉम योर हीरो। थैंक्स अ लॉट फॉर दैट अनिरुद्ध जी, एंड बहुत टाइम होगी हमारी बात शायद यूट्यूब पे नहीं हुई, ट्विटर पे तो आप मैसेज वगैरह करते रहते हो, बट स्टिल थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल दिस कमेंट्स एंड यू नो जो आपने सपोर्ट शुरू से रखी। आई बिलीव अनिरुद्ध हैज बीन देयर फॉर क्वाइट अ व्हाइल, बहुत शुरू से आप हमारे साथ जुड़े हुए हो, सो थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। एंड आई होप कि आपके जो Huawei के FreeBuds 3 थे वो आपके पास पहुंच चुके होंगे, वैसे शिप ऑलरेडी कर दिए थे मैंने गिवअवेज वगैरह, बट स्टिल अगर नहीं पहुंचे आप मेरे को DM करके पक्का से बता देना। रक्षित जी आगे कह रहे हैं, प्लीज पिक माई क्वेश्चन। ओके, संडे स्टफ ऑलरेडी शुरू हो गया है, सैटरडे स्टफ। लव फ्रॉम कर्नाटका, लव यू टू ब्रदर, सजेस्ट मी शुड आई बाय रियलमी 7 और शुड आई वेट फॉर OnePlus Nord Lite? बिली, परफॉर्मेंस इज माई प्रायोरिटी, I'll suggest that you can go for the Realme 7, OnePlus Nord Lite or OnePlus Billy, whatever we call it. उसका प्रोसेसर आई बिलीव या तो एक तो स्नैपड्रैगन 490 वाला है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और एक दूसरा 690 वाला प्रोसेसर है, तो ठीक है उस हिसाब से Realme 7 इज नॉट अ बैड चॉइस एट ऑल, बट स्टिल इफ इन केस यू वॉन्ट टू वेट कर लीजिए। अभी वैसे हाल फिलहाल ये स्मार्टफोन लॉन्च नहीं होगा, पहले तो 8T लॉन्च होने के चांसेस हैं, सो इफ यू कैन वेट फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स मे बी आप वेट कर लो, एंड एक प्रैक्टिकल कंपेरिजन तभी देना पॉसिबल हो पाएगा। जस्ट प्रोसेसर इज नॉट एवरीथिंग, वहां पे स्टॉक एंड्रॉइड है, रियलमी के अपने पर्क्स एंड प्रोज एंड कॉन्स हैं, सो उस हिसाब से अगर आप वेट करना चाहते हो तो डेफिनेटली यू शुड वेट। आलोक जी आगे कह रहे हैं, लव फ्रॉम उड़ीसा, लव फ्रॉम पंजाब ब्रदर, लव फ्रॉम ग्रेटर नोएडा नो ब्रदर, एंड आई बिलीव पूरी फैमिली की तरफ से मैं ये कह रहा हूँ, लव यू फॉर यू नो ऑल द सपोर्ट एंड विशेज। बहुत अच्छा लगा आप ऐसे से अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ते हैं कमेंटेटर ऑफ द डे की तरफ, बूंदों का सागर जी बहुत जमाने बाद बन चुके हैं कमेंटेटर ऑफ द डे, वो कह रहे हैं मनमोहन सर रिजाइंड from Poco at the end of this year, whether they are rebranding the phones or not, Manmohan sir is a great general manager, best of luck for him for their future projects, who likes Manmohan sir then hit like, congratulations first of all for becoming the commentator of the day, and Manmohan ji ki agar baat kare to yaar trust me Manmohan is a very good person, because I know him personally, matlab itna personally bhi nahi but unke sath maine bahut conversations ki hain, unse mila bhi hu do teen bar, I know he is a very good guy and I'm pretty sure ki wo jo bhi karenge aage chalke that will be amazing. To I've seen yaar bahut sare logon ne comment mein likha ki Poco F2 to aapse launch nahi hua, resign kar rahe ho, ye hua hai, see it's not about one person managing the entire brand, aisa nahi hota. Agar aap kahin pe bhi naukri kar rahe hain to kya aap us company ko represent to kar hi honge, but agar wo company kuch acha kar rahi hai bura kar rahi hai to kya उसमें खाली आपको क्रेडिट मिलते हैं या खाली आपकी गलती है, ऐसा नहीं होता। सो वी हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल अबाउट दीज थिंग्स एंड पॉजिटिवली हमें इस चीज को लेना चाहिए। मेरे को तो दिल से बहुत दुख हुआ कि यार मनमोहन शिफ्ट कर रहे हैं, बट पर्सनली आई एम हैप्पी फॉर हिम, मे बी जो भी वो फ्यूचर में आगे करेंगे इट विल बी ऑल द वे बेटर देन व्हाट ही इज डूइंग राइट नाउ। स्टिल अब देखते हैं पोको का क्या बनता है यार, पोको का अगला GM कौन होगा, पोको के अगले स्मार्टफोन्स की प्लानिंग कैसे होगी, वो सारी चीजें अब थोड़ी सी
शेकी सी लग रही हैं. आई होप पोको एज अ ब्रांड स्टेबल हो जाए जल्दी से. रीब्रांडिंग वगैरह चलो अच्छी चीज़ है, बट नए स्मार्टफोन्स भी उनको लॉन्च करने पड़ेंगे. रियलमी ने रियलमी 7 सीरीज को अभी लॉन्च किया है एंड अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया है. सिमिलरली अगर पोको को भी कम्पीट करना है, पोको विल हैव टू बकल अप और आई हैव टू बी वेरी ओपन अबाउट इट. और आगे बढ़ते हैं स्टफ यू शुड नो की तरफ. एंड कृष्णा गुप्ता जी ने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट प्रोवाइड किया. वो कह रहे हैं इन 2006 अ कोका कोला एम्प्लॉय ऑफर्ड टू सेल कोका कोला सीक्रेट्स टू पेप्सी. Pepsi responded by notifying Coca-Cola. This is some interesting stuff that we all should know. And इसीलिए ऐसी information वगैरह किसी को you know भेजना it's highly unethical. अगर आप किसी company के employee हैं, अगर आप किसी company से associated हैं, never do that. And अगर आप नई नई अब job भी शुरू करने वाले हैं, you should always take care of these things. अपने ethics को हमेशा हमें maintain करके रखना चाहिए. अगर आपको कृष्ण गुप्ता जी का ये stuff you should know पसंद आया, आप इनको एक thumbs up देना मत भूलिएगा. So there you go guys, ये थी इस शाम की टेक स्टफ, इस हफ्ते की लास्ट टेक स्टफ. शाम को आज होगा पोर्टल Q&A's के लिए, बिकॉज कल है हमारा संडे, कल है संडे स्टफ. बहुत सारे क्वेश्चंस पूछिए आज भी, उन सब के मैं आंसर देने की पूरी ट्राई करूंगा. अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछिए, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछिए, ज्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन मत पूछना, बिकॉज फिर थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है और आप लोग फिर मेरे को कहते हो कि यार इतनी लंबी वीडियो क्यों बना दी. तब तक के लिए शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, वापस से थैंक यू. अगर आपको वीडियो पसंद आई डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू हैवंट ऑलरेडी. गॉड ब्लेस यू ऑल, पीस, अ वेरी हैप्पी वीकेंड टू ऑल ऑफ यू.